गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभर में आतंकी हमलों की मिल रही धमकियों को देखते हुए अजमेर सीआईडी जोन और जीआरपी सहित आरपीएफ की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को अजमेर रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की तलाशी और सघन जांच की गई। साथ ही यात्रियों और आम नागरिकों को किसी भी संदिग्ध वस्तु न छूने और संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचित करने की जानकारी दी। सीआईडी जोन की तरफ से जहाँ पर ये बम वगैरह के बारे में खिलौनों में रख दें, किसी अटैची में रख दें, उसके बारे में बताया गया है। और इसके अंदर सभी रेलवे से जुड़े हुए कर्मचारी भी आए, जीआरपी आरपीएफ का स्टाफ इसमें मौजूद रहा, कुली वेंडर्स और जो पैसेंजर्स अभी मौजूदा थे वो भी इसमें, उन्होंने भी इसको देखा। तो इसका उद्देश्य मेन यही है कि जनता को अवेयर करना, सावचेत करना। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सीआईडी जोन के दस्ते ने रेल यात्रियों, कुलियों और ऑटो चालकों को विस्फोटकों के बारे में जानकारी देते हुए उनसे बचने और संदिग्ध वस्तु दिखने की जानकारी तुरंत जीआरपी आरपीएफ या ऑन ड्यूटी रेलकर्मी को देने की अपील की। जोन के दस्ते ने बम या विस्फोटक को किस तरह पहचाना जाता है इसके बारे में प्रयोगात्मक जानकारी भी दी। जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों की मौजूदगी में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने डॉग स्क्वाड की मदद से रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तुओं को तलाशा। 20 जनवरी के पर्व को देखते हुए पब्लिक अवेयरनेस और हमारा सबका मिलकर के कुली वेंडर्स और हमारे रेल कर्मचारी हैं, सबको मिलकर के ऐसा कोई बम कहीं हो या संदिग्ध वस्तु हो इसको सावधानियों को देखते हुए इसमें सावधानी बरती जा रही है। और इनको कुली वेंडर्स और टैक्सी ड्राइवर्स रेल कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि इस प्रकार की संदिग्ध कोई पाया जाता है तो जीआरपी आरपीएफ को तुरंत सूचना दे जिससे आगे कार्रवाई की जा सके।